हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश देशमुख। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन और उसके इलाज के बारे में। जैसे कि देखा गया है, बच्चों में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन, और इसका इलाज जो है वो डिपेंड करता है उसके कॉज पे। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, उसके टाइप्स क्या है और ट्रीटमेंट डायग्नोसिस सभी हम देखेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या, जैसे हार्ड स्टूल होना, लैट्रिन सख्त होना, कड़क होना, लैट्रिन के समय बच्चों को तकलीफ होना, जोर लगा के लैट्रिन करना, या फिर हफ्ते में 3 या उससे कम बार लैट्रिन होना, ये सभी चीज़ें हम इसको कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन का जब कोई रीज़न पर्टिकुलर नहीं रहता है उसको इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, जिसमें पैथोलॉजिकल कंडीशन या पैथोलॉजिकल कोई बीमारी नहीं रहती बच्चों में, फिर भी कॉन्स्टिपेशन रहता है। न्यूबॉर्न पीरियड में बच्चा हर दूध पीने के बाद लैट्रिन कर सकता है, जो सॉफ्ट गोल्डन सेमी सॉलिड रहती है या सॉफ्ट गोल्डन येलो कलर की रहती है, और कभी कभी 2 या 3 दिन बच्चा लैट्रिन नहीं भी करता है। तो न्यूबॉर्न पीरियड में ये नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो 6-7 महीने 8 महीने के बाद एक रेगुलर रिदम आ जाता है, वो बच्चे ने रोज़ एटलीस्ट एक बार तो भी लैट्रिन करना चाहिए। तो ट्रीटमेंट कब करने की ज़रूरत है, या फिर वरी कब करें हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में, अगर साथ में उसको फीवर है, एब्डोमिनल पेन है, ब्लड जा रहा है स्टूल में, वेट लॉस है, वेट गेन नहीं हो रहा है, या उसके लैट्रिन की जगह पे कुछ पेनफुल ऐसे टीयर मतलब जख्म हो गए या क्रैक्स आ गए हैं, तो इसके लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बाकी जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस है वो रूल आउट करनी पड़ेंगी, वो आपके डॉक्टर के हिसाब से आपको कुछ टेस्ट या फिर अगर क्लिनिकली उनका डायग्नोसिस रहता है कि कोई बीमारी नहीं है, जस्ट फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है, तो उसके हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। उसका क्राइटेरिया जो है रोम 3 क्राइटेरिया डायग्नोसिस के लिए कॉन्स्टिपेशन का, वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि स्टूल रिटेंशन मतलब लैट्रिन को रोक के रखना, पेनफुल या हार्ड स्टूल्स होना, बहुत लार्ज फेकल मास रेक्टम में मतलब लैट्रिन की जगह में रहना, उसके कारण कभी कभी जो लैट्रिन का टॉयलेट का जो एक डायमीटर रहता है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। और इसके सिम्टम्स क्या है, सबसे पहला मतलब डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल, लैट्रिन के समय तकलीफ होना, दर्द होना, पेट दुखना, भूख न लगना, मचलाहट होना, वेट गेन ना होना, ये कुछ चीज़ें हैं। कॉन्स्टिपेशन के टाइप्स देखेंगे, जैसे इडियोपैथिक ऑलरेडी मैंने बताया आपको, इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी कॉमन, जिसका कोई कॉज नहीं रहता है। इसके लिए इसको ट्रीट करना मतलब आपको डाइट में चेंजेस और लैक्सेटिव्स, यही चीज़ें आप इसको कर सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत मिल्क इसमें आपको विथहोल्ड करना पड़ेगा, दूध बंद करना पड़ेगा, जो इसमें केजिन प्रोटीन रहता है उसके कारण स्टूल हार्ड होते हैं। तो दूध बिल्कुल, आपको कॉन्स्टिपेशन अगर है तो 2 साल के ऊपर के बच्चा अगर है और कॉन्स्टिपेशन उसमें है तो आपको दूध बंद रखना है उसका। और जो मेन कॉजेस है कॉन्स्टिपेशन के, देखिए जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, कुछ मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट, हिस्ट्रोन डिसीज, सब न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ये जो पैथोलॉजिकल कॉजेस है इसको आपको पहले रूल आउट करना है, आपके डॉक्टर्स की सलाह से ही आपको करना पड़ेगा, डॉक्टर्स एग्जामिन करेंगे। अगर ये सब कॉज रूल आउट हो गए, मतलब इनमें से कुछ बीमारी अगर बच्चों को नहीं है, तो हम उसको इडियोपैथिक या फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं, और उसका ट्रीटमेंट आपको डायट्री चेंजेस और लैक्सेटिव से करना है। अगर इसमें से कुछ बीमारी रहती है तो आपको ये बीमारियों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, लैट्रिन में ब्लड जा रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, बार बार उसको तकलीफ हो रही है, ऐसे समय पर आपको इसकी ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट, मतलब आपको फाइबर्स बहुत ज़्यादा लेने हैं, उसके लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा सकते हैं, हर खाने के साथ आपको फ्रूट का एक पीस देना है बच्चों को। आप उसको डेजर्ट मत दीजिए जब तक वो बच्चा फ्रूट नहीं खाता, उसको वाटर अच्छे से पिलाना है, पानी बहुत पिलाना है, और इसके अगर रिलीफ नहीं मिले तो लैक्सेटिव्स देना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।